जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जुलाई महीने में जिन 6 भाग्यशाली राशि के जातक के सगाई के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको राशि अनुसार से जन्मदिन के अनुसार से दूंगा। इससे पूर्व कई वीडियो में ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर जानकारी दी है, मूलांक के हिसाब से जानकारी दी है, मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की जानकारी दी। इस वीडियो में आपको केवल और केवल जन्मदिन के आधार से जुलाई महीने में किन जातकों के सगाई के योग बनते हैं और उन जातकों के सगाई के योग 100% रहते हैं उसकी जानकारी दे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली का न केवल विश्लेषण करा सकते हैं बल्कि आप कुंडली बनवा कर जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान योग, राज्य योग, भाग्य योग, महादशा, अंतरदशा, अनुकूलता, स्वभाव, कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप संपर्क करें, हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की पूर्ण जानकारी का। ऐसे जातक जिनके विवाह के योग बन रहे हैं और उनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। न केवल केपी की वाणी से अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से संपर्क कर और किसी प्रकार का कोई प्रलोभन न देकर उनसे सत्य और अस्पष्ट जानकारी ज्ञात कर लें। अगर आप कुंडली मिलान करा लेते हैं और स्पष्ट और सत्य जानकारी ज्ञात कर लेते हैं तो वर और वधु दोनों का, अगर आपकी शादी हो रही है, आपने आप बेटे या बेटी की शादी कर, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। विवाह तो एक न एक दिन निश्चित होना है, किंतु विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन का सुखमय होना बहुत ही अनिवार्य है। तीन तरह के भकुर दोष लगते हैं, तीन तरह के नारी दोष लगते हैं, गन नहीं मिलते हैं तो जातक के जीवन में, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता आ जाती, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वित्तीय नुकसान होता है, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, वियोग का खतरा रहता है, तो नाना प्रकार की परेशानियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्व से ही आप कुंडली मिलान करा ले और अगर दोष लगता है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और बच्चे का भविष्य जान सकते हैं कि बच्चे किस क्षेत्र में बेहतर करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, अनुकूलता कैसी रहेगी, विवाह उपरांत उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्योदय कब होगा, धन भाव कैसा है, आय भाव कैसा है, स्वास्थ्य भाव कैसा है, इसके अलावा महादशा कौन कौन सी चल रही है, किस उम्र में जो जातक के लिए शुभ समय रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो ये तमाम तरह की जानकारी आप बच्चे की कुंडली विश्लेषण कर ज्ञात कर सकते हैं। तो संपर्क करें, हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, मैंने अभी पूर्व में बताए हैं 8521835670। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्राथमिक जानकारी देता हूँ। विवाह जैसा मैंने बताया तय होना ही है और एक न एक दिन हो जानी है शादी, लेकिन उससे पूर्व आपको बहुत बातों का ध्यान रखना होता है। तो इनमें नक्षत्र का गोचर, योग, इसके अलावा करण, दिन, माह, सूर्य का गोचर, ये सभी की जानकारी रहनी चाहिए और सही संयोग पर अगर विवाह करते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। कहते हैं कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विवाह करने के चलते ही भगवान श्री राम और मैया जानकी का जो वैवाहिक जीवन कष्टमय बीता था, हालांकि इसकी सत्यता है नहीं, लेकिन फिर भी ज्योतिष गणना कर यह जानकारी देते हैं। तो कई कारण होते हैं जिसमें इन कारणों पर ध्यान दिया जाता है, तो आप भी अपने पुत्र अथवा पुत्री के विवाह में अवश्य ही सावधानी बरतें। तो सर्वप्रथम मैं आपको नक्षत्र की बात करूं तो रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इनमें जो है मघा एवं मूल नक्षत्र का प्रथम चतुर्थांश एवं रेवती नक्षत्र का अंतिम चतुर्थांश अशुभ होता है, यानी मघा एवं मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में विवाह नहीं करना चाहिए और रेवती के अंतिम चरण में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी का खतरा
बना रहता है। उत्तर फागनी नक्षत्र में विवाह करने से बचते हैं लोग। कहते हैं भगवान श्री राम और माता सीता का जो विवाह है इसी उत्तर फागनी नक्षत्र में हुआ है और इसके चलते उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आप अपने स्थानीय पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर सकते। अब बात करें योग की, तो विषभ, अतिगण, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यातिपात, परिघ, वैधृति, ये सारे अशुभ माने जाते हैं और इन योग में जो है विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे योग में अगर विवाह करते हैं तो न केवल वर जो है वो तामसिक प्रवृत्ति का होगा बल्कि जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा वर और वधु को। इन 9 को छोड़ दिया जाए तो सभी शुभ योग माने जाते हैं। बात करें अगर सूर्य भ्रमण की, तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर, कुंभ, इन राशियों में सूर्य के गोचर करने से और भ्रमण करने के दौरान विवाह करना श्रेष्ठ कर होता है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इन चारों राशि में जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो विवाह कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस दौरान चतुर्मास लगता है। जबकि धनु और मीन राशि में गुरु सूर्य के गोचर से खरमास लगता है तो इस दौरान भी विवाह कार्यक्रम नहीं किए जाते। बात करें अगर करण की, तो विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद और नाग, ये अशुभ करण माने जाते हैं। इसके अलावा कीटसंधु, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर एवं वनिश आदि शुभ करण माने जाते हैं। मंगलवार के दिन विवाह का चयन न करें। शनिवार के दिन का भी आप प्रत्याग कर सकते हैं। इसके अलावा सोमवार, बुधवार, गुरु और शुक्रवार का दिन शुभ होता है। तिथि की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी आदि तिथियां शुभ मानी जाती हैं। वहीं रिक्ता यानी प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आदि अशुभ तिथियां हैं और इन तिथियों में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह तिथि ज्ञात करने के लिए जो है इस प्रकार से आप जो है गणना कर सकते हैं और यकीन जानिए कि इन तिथियों के अनुसार से इन प्राथमिक जानकारी का अगर आप ध्यान रखते हैं, सावधानी बरतते हैं और इन चीजों की बारीकी से आप विश्लेषण कराते हैं अपने जातक के लिए, मतलब वर या वधु के लिए विवाह हेतु, तो यकीन जानिए उनका वैवाहिक जीवन अवश्य ही सुखमय बीतेगा। आइए अब मैं उन 6 राशियों के बारे में बता देता हूँ जिनके सगाई के योग बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि के जातक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रहों के आधार पर यह जानकारी नहीं दी जा रही है, जन्मदिन से दी जा रही है, तो आप इसे जन्मदिन से ही स्वीकार करें। तो इसके लिए इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है या फिर इसमें मामूली अंतर हो सकता है। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं तो उनके लिए जुलाई का महीना बेहद शुभ होता है, खासकर विवाह के लिए। अगर जन्मदिन से देखा जाए जून के महीने में होता है, चूंकि वर्ष 2024 में जून महीने में विवाह का मुहूर्त नहीं रहा था शुक्र तारा के अस्त होने के चलते, गुरु तारा के अस्त होने के चलते, तो इसके लिए जो है मेष राशि के जातक के लिए जुलाई का महीना शुभ रहने वाला है। और जुलाई के महीने में मेष राशि के जातक के सगाई होने के, रिश्ते तय होने के 100% योग बन रहे हैं। तो अगर मेष राशि के आप जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय है वर्तमान समय में। और जब सावन प्रारंभ होगा तो जुलाई महीने में ही सावन प्रारंभ हो जाएगा, तो उस दौरान भी आपके रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य है, तो 3 चरणों में 22 वर्ष के जातक, 24 वर्ष के जातक, 27 वर्ष के जातक मेष राशि के हैं, उनके सगाई होने के योग बन रहे हैं जुलाई के महीने में। और बात करें रिश्ते की, तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक से आपके लिए रिश्ता आ सकता है। अगली जो राशि है मिथुन राशि। जैसा मैंने आपको बताया, कई ज्योतिष इस पर टिप्पणी भी करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का विवाह वर्ष इस वर्ष तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यह जानकारी जन्मदिन से दी जा रही है। तो इसमें जो भी मिथुन राशि के जातक है जिनके नाम अक्षर के से हैं, उनके सगाई के योग बन रहे हैं जुलाई के महीने में, उनके रिश्ते तय हो सकते। ऐसे जातक जिनकी आयु 24 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य है, मिथुन राशि के जातक है, उनके लिए जून का महीना शुभ होता है, क्योंकि जून के महीने में जैसा मैंने आपको बताया कि विवाह मुहूर्त नहीं था, तो जुलाई के महीने भी उनके लिए शुभ रहने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है, और न केवल जुलाई के प्रथम वीक, द्वितीय वीक, बल्कि अंतिम वीक जो है सावन के महीने में भी आपके लिए योग बन सकता है। अगली जो राशि है वो सिंह राशि के जातक। सिंह राशि के जातक के लिए जुलाई का महीना उत्तम होता है और जुलाई के महीने में इनके सगाई होने के 100% योग रहते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य आपकी आयु है, तो जुलाई का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी सगाई निश्चित होगी, रिश्ते तय हो सकते हैं और नवंबर से लेकर जनवरी के मध्य आपकी सहनाई घर पर बच सकती है। बात करें नाम अक्षर की, तो एम नाम के जातक, के नाम के जातक, एस नाम के जातकों से आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। सिंह राशि की भांति कन्या राशि के जातक के लिए भी जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में कन्या राशि के जातक के लिए शुभ योग बनता है रिश्ते तय होने के, रिश्ते घर पर आने के लिए, रिश्ता आने के लिए और सगाई होने के। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आने वाले समय में न केवल 15 जुलाई, उसके पश्चात भी आपके रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। अगर आप कन्या
कन्या राशि के जातक। उत्तर दिशा से विवाह प्रस्ताव आने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा भी आपके लिए अनुकूल है, तो दक्षिण दिशा में भी विवाह प्रस्ताव लेकर आप जा सकते हैं, जा सकते। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी जो जून का महीना सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन जून के महीने में इस वर्ष शुक्र और गुरु तारास्थ होने के चलते कोई योग नहीं था, तो वर्तमान महीने में यानी कि जुलाई के महीने में सावन के महीने में प्रबल योग है। वैसे भी गुरु के गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग बन ही रहा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य आपकी आयु है, तो वर्तमान समय आपके लिए शुभ है और इस दौरान आपके सगाई होने के 100% योग बन रहे हैं और इस दौरान शादी भी हो सकती है। अगर ग्रहों की स्थिति देख ली जाए तो फिर वृश्चिक राशि के जातक के सगाई न केवल बल्कि शादी के भी योग है। अगर वृश्चिक राशि के जातक है आपके लिए बेहद शुभ समय है। आप जो है हर मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर जाकर जो है मोती चूर के लड्डू अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें। ये कार्य सिंदूर कन्या अर्पित ना करें बल्कि जो है वर पक्ष वाले लड़के हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सके और उस समय अपनी याचना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण। अगली और अंतिम जो राशि है मकर राशि के जातक है। मकर राशि के जातक के लिए भी जो जुलाई का महीना शुभ रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि के जातक वैसे भी साढ़े साती के अंतिम चरण में है, तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी और सगाई और शादी के लिए वर्तमान समय से धीरे धीरे योग प्रबल बन रहे हैं। आपके वर्तमान समय में रिश्ते तय होने के 100% योग है कि जुलाई में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है, कई जातकों के सगाई भी हो सकती है। कई जातकों के लिए चतुर्मास के दौरान ही जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर नवंबर में जो है 15 नवंबर के पश्चात 14 दिसंबर के मध्य तक उनकी परिणय सूत्र में बंधने के योग बनेंगे। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं आपके लिए शुभ योग है। 21 वर्ष से 30 वर्ष के जातकों के लिए शुभ योग रहता है मकर राशि के जातकों के लिए, और चूंकि साढ़े साती भी अब समाप्त हो जाएगी तो मकर राशि के जातक के लिए समय सूर्योदय जैसा रहने वाला, यानी कि आपके जीवन में सूर्योदय होने वाला है। बात करें नाम अक्षर की, एच नाम के जातक, वाई नाम के जातक, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ है। इन दिशाओं में विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। कुंभ और मीन राशि के जातकों के साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठ कर होगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।